हैप्पी दिवाली। कल एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था, तो उन्होंने गुलाब जामुन डिस्ट्रीब्यूट किए थे सबको घर में, सबको मीठा मतलब। तो मैंने रात को तो खाया नहीं था क्योंकि मुझे ना नींद आ रही थी बड़ी ज़ोरों से, और हर्षित को भी सुलाना था, और फिर तो मैंने जो है नहीं खाया था, तो उसको मैं अब इंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी तक मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, तो बड़ी भूख सी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो गुलाब जामुन खाते हैं। तो चलिए आप भी मुंह मीठा कर लीजिए और खा लीजिए मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे की मिठाई। पूरी बना रही हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है, साथ में थोड़ी सी खीर बनाऊँगी क्योंकि रात में तो हम लोग नीचे ही खाना खाएंगे साथ में सब लोग। तो अभी बस मैं सुबह के लिए खाना बना रही हूँ, यहाँ पे जीरा भून रही हूँ, थोड़ा सा रायता भी बना लूँगी। आप लोगों ने क्या क्या बनाया इस दिवाली ज़रूर बताइएगा, पूरी तो हर जिसके घर में बनी होगी आई एम श्योर। यहाँ पर खीर भी मेरी तैयार हो गई है, मैंने गाढ़ी खीर नहीं बनाई है क्योंकि इनको खीर गाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने बहुत ही पतली सी खीर बनाई है। बना रही हूँ रंगोली, और आप लोगों को भी मुझे अपनी रंगोली है, अपनी दिवाली की पिक्चर्स हैं, इन सबको शेयर करना है। और आज एक्चुअली है ना 14th November है और चिल्ड्रंस डे भी है, तो मैं सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सबको ही करना चाहती हूँ क्योंकि हम सब भी बच्चे ही हैं, किसी ना किसी के तो हैं ही हैं, और किसी के नहीं तो कम से कम भगवान के तो हम बच्चे हैं ही। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और यहाँ पर मेरी रंगोली भी देखिए तैयार हो गई है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और मैंने किसी भी मतलब कीप वगैरह का यूज़ नहीं किया है, जिस थैली के अंदर ये आए थे ना उसी थैली से मैंने इनको बनाया है, इस तरह से ही पूरा मैंने इसी तरह से बनाया है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है, कभी कभी खुद को शाबाशी देने का मन करता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरह से रंगोली बना रही हूँ, वरना मैं पेंट की या वो वाइट वाला आता है ना चूना उससे ही रंगोली बनाती थी, मगर मैं इस बार इस कलर से रंगोली बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा मेरे से ये बना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी फर्स्ट रंगोली है। और ये वाली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बनी क्योंकि इसमें कलर थोड़े कम रह रहे थे, तो थोड़ी सी छित मतलब भरी भरी सी नहीं बनी है। और मैंने यहाँ लक्ष्मी जी के पैर भी बना दिए हैं पूरे घर के अंदर। और अभी बना रही हूँ मैं दरवाजे के लिए बंदरवार बना रही हूँ, तो मैं दरवाजे के लिए बना रही हूँ। मेरे पास हैप्पी दिवाली का पिछले साल का वो रखा हुआ था, तो उसी के ऊपर मैं फ्लावर्स वगैरह लगा करके स्टिच करके और उसको डेकोरेट कर रही हूँ। अपने हाथों से बनाओ ना और उसके अंदर अपने हाथों का टच दो ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ये देखिए मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पर मैं इस तरह से फ्लावर्स जो है वो स्टिच कर रही हूँ, यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। और ये देखिए मेरी बंदरवार जो है तैयार हो गई है, कितनी प्रीटी लग रही है ना। अभी मैं दियो में तेल डाल रही हूँ क्योंकि अभी फिर इसके बाद में मैं तैयार होने लग जाऊँगी, तो तेल वगैरह का काम कपड़े पहनने से पहले ही कर लो तो ठीक है, क्योंकि लहंगा पहनूँगी तो बहुत ज़्यादा घेर है उसके अंदर, तो फिर काम होते नहीं बनेगा। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हो गई हूँ तैयार पूजा के लिए। और मैंने आप लोगों ने कमेंट किया था गोल्डन वाले के लिए सबसे ज़्यादा, तो मैंने गोल्डन वाला ही ब्लाउज पहना है, और मैंने झुमके डाले हैं बड़े बड़े से, इसलिए मैंने गले के अंदर कुछ नहीं पहना है। मैं सोच रही थी गले में पहनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर हैवी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह से मैं पूरी तैयार हुई हूँ, नेल पेंट भी लगा लिया है मैंने येलो कलर का, और पूरा लुक मैं आपको है ना अभी हर्षित अभी कोई है नहीं ना, तो हर्षित वगैरह कोई आएगा तो दिखाऊंगी, अभी फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने डेकोरेशन किया है वो।
आपसे बात कर रही थी, इतनी देर में हर्षित भी आ गया था, तो मैंने सोचा चलो अपने आप को ही दिखाया जाए सबसे पहले। तो देखिए, मैं कुछ इस तरह से मैंने येलो लहंगे के ऊपर पिंक कलर के दुपट्टे को टीम अप किया है और गोल्डन कलर का मैंने ब्लाउज पहना है। सिंदूर को, सिंदूर से लाल लाल किसके लगाओ? सबके जी, दोपहर लगा लीजिए, उंगली से लगाते ना। हां, उंगली से लगा, लक्ष्मी जी के लगा, सबके लगा। मैं ये फूल तोड़े खा लूं। बकरी है, मजा आ जाएगा। दिया जला दो, दिया लगा दिया। अब हाथ जोड़ ले मैंने। अम्मा बता, जल्दी बता, जल्दी बता, टीका लगा दिया। चावल, चावल उठा के चावल छिड़क दे। मीठा रखा ना गुलाब जामुन, वो लगा दे, भोग लगा दे, भोग लगा दे, भोग उनको, लक्ष्मी गणेश जी को और लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती, लक्ष्मी गणेश जी सरस्वती। वंशी तू नहीं कर, धीरे धीरे हाथ लगा, धीरे जब गिनी पहले लक्ष्मी माता पहले पूजा सबका मैया इसके अंदर। बोलो क्या करना अम्मा? लक्ष्मी मैया ढोक लगा, ज्यादा बोलता है जी। ढोक लगा, ढोक ये कर रहा है पूजा। सर सर में दर्द आता है, ये सब लोग पूजा करें, सबकी बात कर रहे हैं। ना ना ना, बोल नहीं जाना, बोलो एक और नानी बुला लेते हैं। चलो अपन करें, करें पानी पिया मुझे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। Thank you.
पूजा हो गई है सबकी, और पूजा के बाद में दिए जलाए जाते हैं, तो दिए जला रहे हैं पूरे घर के अंदर। तो यहाँ पर ये मेरी छोटी वाली देवरानी है जो दिए वगैरह जला रही थी, और यहाँ पर ये बच्चे जो हैं बम फटाके चलाने में लग गए थे, और ऊपर के मंदिर में दिया प्रज्वलित करके ऊपर की भी मैंने पूजा करी। फिर आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसी रही दिवाली? बेस्ट, मस्त, बेस्ट, बेस्ट। एक्चुअली ये बहुत थके हुए थे, और धनतेरस से एक दिन पहले से ही, इस बार 2 दिन की धनतेरस थी, तो वो 2 दिन और उससे एक दिन पहले से ही माल वगैरह लाने में, इन सब में बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे और बहुत नींदों में हो रहे थे, बस खाना खा करके, और ये तो सो गए थे, और इनसे ना बस होते ही नहीं बन रहा था, बोलते मुझे तो बड़ी ज़ोर से नींद आ रही है, तो ये तो खाना खा के सो गए थे। और मेरा लिविंग रूम जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है दिवाली वाले दिन। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने ख़रीदे थे अमेजोन से ख़रीदे थे इस बार, तो अगर आपको ख़रीदने हो और चाहिए हो तो आप है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे लिंक जो हैं वो दिए हुए होंगे। तो आप लोगों की दिवाली कैसी रही बताइएगा ज़रूर, आपने क्या पहना क्या बनाया आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ में अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। मैंने ये वाले झुमके पहने थे,
तो बताइएगा झुमके कैसे लग रहे हैं। मैंने पहली बार इतने बड़े झुमके पहने थे, मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं इतने बड़े वाले झुमके पहनूं, तो कैसे लग रहे हैं बताइएगा। मेहंदी वगैरह नहीं लगाई थी और बैंगल्स मैंने ये वाले पहने थे और गले में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना क्योंकि हैवी कान के थे ना, तो फिर मैंने गले में नहीं पहना, कुछ ज़्यादा हैवी सा हो जाता है इसलिए। और मैंने ये गोल्डन वाला ब्लाउज़ जो है वो टीम अप किया था इसके साथ में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसकी फिटिंग वगैरह भी सब ठीक है और ना ये इस बॉर्डर के साथ में ना जा भी रहा था इसलिए। और फिर येल्लो के अंदर भी है ना मेरे गोल्डन वर्क हो रहा था, तो मुझे लगा कि है ना गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने गोल्डन ही पहना। और आप लोग बोल रहे थे वो रेड वाला, तो वो रेड वाला नहीं था, वो पिंक वाला था, तो वीडियो के अंदर आपको रेड दिख रहा होगा, तो ऐसा हो जाता है। तो मेरा ये था आज का वीडियो, आपको डेकोरेशन कैसा लगा और कौन सा कॉर्नर आपको मेरा घर का सबसे बेस्ट लगा। मुझे तो अपने घर का हर एक कोना ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपने हाथों से बड़े ही मन से और बहुत ही प्यार से सजाया है। और आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा कॉर्नर जो है वो अच्छा लगा है। बाल एक्चुअली है ना मैंने सुबह से लेके अभी तक है ना मैंने यही बांध रखे, मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। शाम को मतलब मैं लगी हुई हूँ, ये समझ लीजिए 11 बजे से लगी हुई हूँ और फिर मैं लगी हूँ रंगोली बनाने में, इतना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, इतनी ज़्यादा रंगोली मतलब मैं खुद से बना लेती ना तो ज़्यादा सही रहता। ये वाली मैंने देख करके बनाई यूट्यूब से और वो वाली मैंने खुद बनाई तो वो सबको अच्छी लग रही है, मैंने बोला चलो ठीक है। और वो बनाया था मैंने दरवाजे पे लक्ष्मी जी के पैर और वो रंगोली, तो वो भी मैंने अपने मन से बनाई, लेकिन टाइम तो लगता ही है ना ये सारी चीज़ों में। और आपको क्या अच्छा लगा बताइएगा, ये कैसा लगा ये बताइएगा। ये मुझे बहुत ही प्रीटी लग रहा है, आते जाते ये बज रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये देखिए। और ऐसा एक नहीं है, एक और है, अरे दिखाती हूँ, आते जाते भिड़ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ये देखिए, एक ये वाला कितना अच्छा है ना, तो देखिए देखिए देखा तो नहीं, हाँ देखा ना। और ये वाला देख लिया, देख लिया हर्षित, तो इतना देखो, अरे ये तो जला के चलेगा तुम्हारा। और ये वाला कॉर्नर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये गिलास जो मैंने लिए थे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए और बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन।